Hey guys, welcome back to Education भैया। तुम सबको पता है आज मैं तुम सबको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तुम सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। मैंने इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कहा ना, बिकॉज ट्रस्ट मी, इस पोएम में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, या फिर तुम कह सकते हो बहुत सारे हिडन मीनिंग वर्ड्स हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। बट तुम्हें पता है मैं हूँ तुम सबका फेवरेट वन एंड ओनली एडुकेशनल भैया, जो कराएगा तुम्हें ये चैप्टर इजिएस्ट वे में एक्सप्लेन, कि तुम एग्जाम में ला पाओ फुल मार्क्स। ताथैया। आई रियली हेट माई सेल्फ आफ्टर दिस डायलॉग। तो देखो, इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने, और हमने इनकी ऑलरेडी बहुत सारी पोएम पढ़ रखी है, जैसे कि द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो और वगैरह वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है। इनकी मोस्टली पोएम ह्यूमन ट्रेजेडीज और फियर, मतलब डर के ऊपर होती है। ये अपने पोएम्स है ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ और बर्डन को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। और रोड साइड स्टैंड पोएम के माध्यम से उन्होंने ऐसे लोगों के लाइफ्स के बारे में बताया है ना, जिनके पास बेसिक नीड्स तक नहीं है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ऑब्वियसली मतलब वो कपड़ा पहनते हैं बट सफिशियंट अमाउंट में नहीं है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट? उन्होंने हार्श रियलिटी दिखाने की कोशिश की है, मतलब कड़वा सच दिखाने का कोशिश किया है, और ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोग जिनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, उनके प्रति दया, मतलब सिंपैथी और ह्यूमैनिटी भी दर्शाया है। अभी कुछ लोगों के मन में ख्याल आया होगा ना कि मैंने अभी स्टार्टिंग के कुछ मिनट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के बारे में, मतलब पोएट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, पोएट के बारे में लिखने, स्टोरी के बारे में लिखने, पोएट के एस्पेक्ट से लिखने। तो अभी जो मैंने चीज बताया ना कि उन्होंने ये पोएम क्यों लिखा है और उनका पोएम लिखने का मेन मोटिव क्या होता है, ये सब चीज याद रखना। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम लोगों ने रोड साइड किनारे से सबसे महंगा चीज क्या खरीदा है। आई मीन रोड साइड किनारे जो स्टॉल लगता है ना, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स और हैंडमेड चीजें होती है, उसमें से तुमने आज तक सबसे महंगा चीज क्या खरीदा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और एक चीज, अभी तुम वीडियो की लेंथ चेक कर लो, और जितना बड़ा ये वीडियो है ना, उस पूरे लेंथ तक तुम्हारी आंख इस वीडियो से नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्क्रीन में बहुत सारे हिडन मीनिंग वर्ड्स के मीनिंग दिखेंगे, तो वो चीज तुम्हें देखना जरूरी है। और दूसरी बात, कान में ईयरफोन डाल लो, इससे मैं जो भी चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा ना, वो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा और इजी अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेगा। तो डाल लिए, चलो शुरू करते हैं। एक छोटा पुराना घर है जिसके आगे शेड लगा है, ताकि शेड के नीचे सामान रखा जा सके और रख के बेचा जा सके। वो घर रोड के किनारे है, जहां व्हीकल्स स्पीड से आते जाते रहते हैं। उस घर के ओनर ने उस शेड को इस उम्मीद में लगाया है कि उन व्हीकल्स में से कोई तो उतरेगा और उनके शेड के नीचे जो सामान है उसे आकर खरीदेगा। उस घर के जो ओनर है ना, वो बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि वो डेस्परेट है पैसा कमाने के लिए। नहीं, वो लोगों से फ्री में ब्रेड खाने को नहीं मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनका सामान को आके खरीदे, बदले में पैसा देके चले जाए, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी हर किसी के बेहतर जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर पोएट कहते हैं कि जो शहरी लोग हैं, मतलब जो कि फ्लावर ऑफ सिटीज हैं, वो अपने पैसों से इन रोड साइड स्टैंड को बचा सकते हैं डूबने से या फिर बिखर के टूटने से, पर अमीर लोग जो होते हैं, मतलब जो शहरी लोग होते हैं, वो स्टैंड की तरफ देखते तक नहीं है, अगर देखते भी है तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं उस गंदे स्टैंड को देखकर। अब तुम्हें पता है इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये कि वो जो स्टैंड है ना, वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप को ढक रहा है, मतलब कि ब्यूटीफुल सीनरी को ढक रहा है, जैसे कि ट्रीज, माउंटेन, वाटर बॉडीज, ये सबको। और दूसरा रीजन, उस स्टैंड के आगे जो बोर्ड लगा हुआ है ना, जिसमें डायरेक्शन दिखाया जाता है, वो गलत है, मतलब जो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन है वो गलत दिखाया गया है। बस उसमें डायरेक्शन ही गलत नहीं दिखाया है, बल्कि उस बोर्ड में जो नॉर्थ साउथ लिखा गया है ना, वो भी बहुत गंदे तरीके से लिखा गया है, पेंट, मतलब बहुत ही गंदा क्वालिटी का पेंट यूज किया गया है। फिर पोएट कहते हैं लोगों को गलत चीज कितना जल्दी दिख जाता है ना, कोई भी उस स्टैंड की वाइल्ड बेरीज के ऊपर नजर नहीं डालता जो कि वुडन बास्केट में रखा हुआ है, या फिर क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वर्क्स, जो कि एक गोल्डन कलर का फल होता है जिसमें सिल्वर बम्स होते हैं, कोई भी इन सब चीजों के ऊपर नजर क्यों नहीं डालता। फिर पोएट कहते हैं बस यही नहीं, लोग तो उन सुंदर माउंटेन्स की तरफ भी नजर नहीं डालते हैं जो उनके रास्ते में आती है। पोएट कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम लोग इतने मतलबी क्यों हो, तुम लोग आगे चलकर करोगे क्या इतने पैसों का। पोएट कहते हैं वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड ने उस सीनरी को खराब कर दिया है, बट उस भरोसे का क्या, जिस होप में रोड साइड स्टैंड के जो ओनर्स होते हैं वो दिन भर वेट करते हैं कि कोई व्हीकल्स आकर रुकेगा और कुछ सामान खरीदेगा। और ये चीज पोएट के लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, जो किसी से कहा तक नहीं जा सकता। सिटी से दूर हाईवे में ये लोग रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, बदले में बस कुछ सिटी मनी को ही तो हाथ में फील करना चाहते हैं, इस होप में कि इनका लाइफ भी एक्सपैंड हो जाए, इनकी लाइफ भी सुगर कोटेड हो जाए, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, एक परफेक्ट लाइफ। पोएट कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टीज होती है ना, वो इनसे इनका पैसा हड़प रखती है, जो कि एक्चुअली में इनका है। पोएट कहते हैं कि न्यूज में दिखाया जाता है कि इन गरीब लोगों की फैमिलीज को बाहर लाया जाएगा, अच्छे से विलेज में रखा जाएगा, जहां पे थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे, और इन्हें किसी भी तरह की बेसिक नीड्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि बेसिक नीड्स के लिए तो
सोचना भी नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली में ये सब बस ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो अच्छा तो करना चाहते हैं बट इसके पीछे उनका बहुत बड़ा लालच छिपा होता है, जो खुद जरूरत पड़ने पर जंगली जानवर जैसा इन लोगों का शिकार भी कर सकते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या होगा, वो बस लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं, वो बस उन्हें बड़ी बड़ी बातें बोलकर अपने झांसों में फंसाते हैं। फिर पोएट कहते हैं, तुम्हें पता है ऐसे लोग, मतलब कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये इन गरीब लोगों की लाइफ को इस तरह से घेर लेते हैं जिसमें ये गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वो गरीबों को ये दिखाते कि उनका बेनिफिट हो रहा है, बट वो सब कुछ ऐसे कैलकुलेटेड होता है। मतलब कि यहाँ बेसिकली स्कीम्स की बात की जा रही है जो गरीबों को दी जाती है, बट ये सब जो स्कीम्स होती है वो ऐसे कैलकुलेटेड होती है ना कि गरीबों को लगता है कि एक्चुअल में उनका फायदा है, बट एक्चुअल में ये सारे क्लेवर लोग उनको उल्लू बनाते हैं। फायदा गरीबों का नहीं बल्कि फायदा क्लेवर लोगों का, मतलब पॉलिटिशियंस का होता है, जो बस गरीबों का यूज करते हैं। गरीब लोगों को सोने की, आराम करने की सपने दिखाते हैं, या कह लो पट्टी पढ़ाते हैं, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है तो खुद सो जाते हैं। ऐसे सेल्फिश लोग गरीबों की रात की नींद भी खराब कर देते हैं। जैसे सिटीज में नहीं होता, लोगों को आदत हो जाता है रात में जगने का और दिन में सोने का, जबकि एंशियंट टाइम से ये नियम है कि दिन काम करने के लिए होता है और रात सोने के लिए होता है। पोएट कहते हैं कि वो इस सैडनेस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं जो वो गरीब सेड ओनर्स फेस करते हैं। वेट करते हैं कि कोई कार आके रुकेगा और आकर कुछ खरीदेगा। छोटी सी विंडो से बाहर देखते रहना, बच्चों की तरह होप करना कि कोई व्हीकल तो अपने ब्रेक पे पैर रखेगा, पूरे दिन एक ही प्रेयर की तरह, जैसे बच्चे भगवान से प्रेयर नहीं मांगते उसी तरह ये होप करते रहना कि हजारों सेल्फिश कार में से कोई एक कार तो रुके, कोई एक कार तो अपने ब्रेक पे पैर रखे और आ करके कम से कम इंक्वायरी कर ले कि वो जो फार्मर्स है उन्होंने जो सामने प्रोडक्ट्स लगाए हैं सेट के नीचे उनकी प्राइसेस क्या है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पोएट बताना चाहते हैं कि वो जो सेट है ना उसके नीचे बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मतलब फार्मर है बेसिकली वो, तो उसने अपने सेट के नीचे बहुत सारे वेजिटेबल्स या कह सकते हो फ्रूट्स भी लगाए होंगे मे बी। फिर पोएट कहते हैं कि एक कार रुकती है, पर पता है क्यों रुकती है? जो स्टैंड के सामने ग्रास है उन्हें कुचल कर अपने गाड़ी को टर्न करने के लिए। फिर वो कहते हैं एक और गाड़ी, मतलब दूसरी गाड़ी रुकती है, पता है किस लिए? सिर्फ ये पूछने के लिए कि भैया ये रोड कहाँ जाता है। फिर वो कहते हैं एक और कार, थर्ड कार रुकती है, ये पूछने के लिए कि क्या अ गैलन ऑफ गैस, मतलब कि पेट्रोल मिलेगा। यहाँ पे वो स्टैंड वाले अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं बेच सकते, उनके पास नहीं है। क्या उस कार ड्राइवर को दिखता नहीं? यहाँ पे वो ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं ना क्योंकि एक्चुअली वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं पेट्रोल को अपने स्टैंड के ऊपर रखना, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। यहाँ पे पोएट जो होते हैं ना वो स्टैंड ओनर के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि जिस तरह का हम काम करते हैं सिटीज के बाहर, मतलब विलेजेस में या फिर कह लो कंट्री साइड में, और जिस तरह की चीजें हम बेचते हैं, इससे हम अपने लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि प्रॉब्लम दूर करना इम्पॉसिबल सा है, इसलिए हम अंदर ही अंदर हर चीज को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं। यहाँ पे पोएट कहते हैं, मैं ये सोच के खुद को रोक नहीं पाता कि इन लोगों को उस टाइम कितना रिलीफ मिलेगा जब मैं एक ही बार में, मतलब एक ही झटके में, एक ही चुटकी में इन सबको इनके प्रॉब्लम्स और पेन से बाहर ला सकूंगा। बट अगले ही पल, मतलब अगले ही दिन जब मैं रियलिटी को फेस करता हूँ, सोचता हूँ, वंडर करता हूँ कि तुम सब आओ मेरे पास, हम सबको बोल रहे हैं कि तुम सब आओ मेरे पास और मुझे इस प्रॉब्लम से, मुझे इस पेन से बाहर निकालो, और तुम सब मुझे इस पेन से तभी बाहर निकाल पाओगे जब तुम लोग उस रोड साइड स्टैंड के सामने उतरा करोगे और उन गरीबों को उनकी पेन से बाहर निकालोगे। मतलब कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि हम उन्हें उनकी पेन से तभी बाहर निकाल सकते हैं जब वो गरीब लोग, मतलब जो रोड साइड स्टैंड के ओनर है ना, वो लोग अपने पेन से बाहर आएंगे, मतलब जब वो लोग खुश होंगे, मतलब कि जब उनकी लाइफ से प्रॉब्लम और पेन दूर होगी। एंड ऐसे हमारा ये जो पूरा पोयम है इंटरेस्टिंग सा, प्यारा सा, मजेदार सा खत्म होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें एक एक वर्ड एक्सप्लेन करा है और बाकी जो हार्ड वर्ड्स है, हार्ड मीनिंग है, वो तो तुमने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि वीडियो के स्क्रीन से नजर मत हटाना। और अगर फिर भी अगर तुम्हें पूरा समझ नहीं आया या फिर तुमने वर्ड मीनिंग छोड़ दिया तो वीडियो को फिर से देखो और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। पर आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि किसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, कमेंट सेक्शन में ये लिखकर कि मैं एग्जाम से 3 घंटे पहले देख रहा हूँ। वाह रे वाह, एकदम बहुत बड़ा काम कर दिया ब्रो। इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, आमतौर पर मैं लाइक्स के लिए नहीं बोलता हूं, मतलब मैं बस हर वीडियो में लाइक्स के लिए बोलता हूं, तो इस वीडियो में क्या तुम बस 5K लाइक्स और 1K कमेंट्स, आई थिंक थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, बट देख तुम लोग इतना पूरा कर पाओगे अगर तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो। इसके लिए तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो चलो तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।